अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक पूरी मनगढ़ंत और झूठी एफआईआर करी, केस दर्ज किया कि मनीष सिसोदिया जी पैसे खा गए, शराब नीति में पैसे खा गए। हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में आदमी को किसी भी तरह की जांच पड़ताल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष जी ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूं, सीबीआई ईडी जो जांच करना चाहे जांच कर ले। मनीष जी ने धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे क्यों कर दूंगा, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। तो आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब की नीति में पैसे खा गए, तो वो पैसे ढूंढने के लिए सीबीआई इनके घर गई। तो खूब ढूंढा उन्होंने चारों तरफ, काफी देर ढूंढा, सारा 14 घंटे तक उन्होंने ढूंढा, सब कुछ देखा, गद्दे फाड़े, तकिए फाड़े, बता रहे दीवारें भी यूं यूं करके देखी, खोखली मिलती तो शायद दीवारें भी तोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। 14 घंटे के बाद वो चले गए। 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की। कुछ लोग, मैं देख रहा था टीवी में, आरोप लगा रहे थे ये लोग कि जवाब क्यों नहीं देते, जवाब सारे जवाब दिए इन्होंने, जितने प्रश्न सीबीआई वालों ने पूछे सारे जवाब दिए, और सीबीआई वाले पूरी तरह से संतुष्ट होके इनके घर से गए। फिर सीबीआई वाले इनके गांव गए, गांव में सारे गांव वालों से पूछा, भाई मनीष सिसोदिया ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, जमीन खरीदी हो, कोई खेती की जमीन खरीदी हो, कोई मकान खरीदा हो, कोई कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर चेक करने के लिए गए, उनको लगा शायद यहां कोई ज्वेलरी हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी के कागज हो, वहां शायद 70-80 हजार रुपए के भाभी जी के कोई छोटे मोटे गहने मिले। तो लॉकर चेक कर लिया, गांव में सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो अब सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, इंसान हैं, वो भी उनके दिल में भी आत्मा, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा। वो जाते जाते कह रहे थे इनको, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक बार आपको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो मनीष जी ने उनको कहा भी चिंता मत करो, जब भी गिरफ्तार करना हो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तार तो होंगे ये, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सारा देश देख रहा है, भाई सारी जांच कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, पाक साफ। एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है कि तुम सबसे ईमानदार। बाकी राजनीति तो चलती रहेगी, गिरफ्तारी जो है वो तो राजनीतिक होगी, मैं ये देख रहा था कि इस तरह के झूठे सच्चे केस कर करके, इंक्वायरी कर करके मिलता क्या है इनको। मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हजार साल का इतिहास है। इन 3-4 हजार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसानियत इंसान। मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं, हमारे 49 MLA के ऊपर 169 केस हुए हैं, छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने। 49 MLA पे 169 केस कर दिए, 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिया, कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है इन केस में। खूब डांटा इनको पुलिस वगैरह को कि क्या बेकार की, 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने, 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है।
जैन साहब के ऊपर 4 केस करे थे, 2 में बरी हो गए, 2 पेंडिंग है। दिनेश मोहनिया पे 10 केस करे थे, 9 में बरी हो गए, 1 पेंडिंग है। वंदना कुमारी पे 6 केस करे थे, सारे बरी हो गए। अखिलेश त्रिपाठी पे 4 करे थे, 3 बरी हो गए। इस तरह से पूरी लिस्ट है 49 एमएलए की। इन्होंने हमारी बोले बसों की खरीद पे घोटाला हो गया, कर लो जी आ जाओ जांच कर लो, कर ली सारी जांच, कुछ नहीं मिला, एक नए पैसे का कुछ नहीं मिला। बोले शराब पॉलिसी में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक तो। स्कूलों में घोटाला हो गया, सारे स्कूलों की भी जांच, 4 साल हो गए इनको स्कूलों की जांच करते करते, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक में बोले खूब घोटाला हो गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। बोले अस्पतालों में घोटाला हो गया, अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन में, दवाइयों में, पता नहीं क्या क्या, वो सारी जांच कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। कोरोना के वक्त बोले घोटाला हो गया, पूरी दुनिया कह रही है कोरोना में हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बोले घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली। बोले सड़कों के निर्माण में घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे क्या फायदा है, इससे कोई देश का फायदा है ऐसी झूठी सच्ची जांच करके? देश का टाइम खराब कर रहे हो, लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, काम में अड़चन अड़ा रहे हो, रोज नई नई उलट पुलट जांच कर रहे हो। एक जरूर हुआ है, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी गुजरात में।